हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं आरुष हेल्थ केयर और आज की इस वीडियो में देखिए अपने पास है रैप्टिक 50 इंजेक्शन। तो इसके अंदर की कंपोजिशन देख लेते हैं। इसके अंदर दिया गया हुआ है 1 ml इंजेक्शन के अंदर आपको मिलता है नैंड्रोलोन डेकोनेट इंजेक्शन। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार इसकी प्रोडक्ट डिटेल देख लेते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया 1 ml का इंजेक्शन है, जिसका कंपनी ने प्राइस रखा है 195 रुपये और जिसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है ब्रुक्स लेबोरेटरीज़ लिमिटेड और इसकी मार्केटिंग जो है लिफोर्ड हेल्थ केयर करती है। बात करें इसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की, तो इसको IM ही दिया जाता है, वो भी डॉक्टर की देख रेख के अंदर। इसके अल्टरनेट ब्रांड या फिर पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो आपको डेका ड्यूराबोलिन नाम से भी ये इंजेक्शन मिल जाएगा मार्केट में, जिसको ऑर्गेनो लिमिटेड बनाती है। इसके अलावा डेका इंस्टाबोलिन 50 जो कि इंटास फार्मा बनाती है, साथ ही डेका नैंड्रोबोल इंजेक्शन ये भी कैडिला फार्मास्यूटिकल्स बनाती है, डेका नेक इंजेक्शन जो कि नेक्टर लाइफ साइंसेस का है, डेका न्यूराबोल जो कि जाइडस कैडिला का है। इसके अलावा भी कई पॉपुलर ब्रांड आपको मार्केट में मिल सकते हैं, वो एरिया टू एरिया डिपेंड करता है। ये एक टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव है। नैंड्रोलोन डेकोनेट इंजेक्शन एक एंड्रोजन और एनाबॉलिक स्टेरॉइड मेडिकेशन है, जिसका प्राइमरी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है एनीमियाज में, वेस्टिंग सिंड्रोम में, साथ ही इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस वाले कंडीशन में, जो कि मेनोपॉजल वुमेंस होती हैं उनमें ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये जो इंजेक्शन है हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है और साथ ही ऑस्टियोपोरोसिस में भी हेल्प करता है। इसके अलावा इस इंजेक्शन का यूज़ कई बार बॉडी बिल्डर भी करते हैं अपने मस्कुलर मास को इंक्रीज़ करने के लिए। ये इंजेक्शन क्या करता है कि ये नाइट्रोजन रिटेंशन को प्रमोट करता है मसल्स के अंदर, जिसकी वजह से मसल का साइज़ बढ़ने लगता है। इसके अलावा ये जॉइंट पेन में भी काफ़ी रिलीफ देता है। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल तकरीबन ऑस्टियोपोरोसिस में किया जाता है। आइए समझ लेते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है। ये एक कॉमन कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारी हड्डियां काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं, फ्रैगाइल हो जाती हैं और साथ ही काफ़ी जल्दी टूटने के चांसेस बन जाते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि मेनोपॉजल वाली वुमेंस के अंदर ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है, जब भी वुमेन के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म हो जाती है पूरी तरह से। इस इंजेक्शन को इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, वो भी डॉक्टर की देखरेख के अंदर। इस इंजेक्शन को डॉक्टर के द्वारा 1 हफ्ते से लेकर 4 हफ्ते के बीच में दिया जा सकता है। नैंड्रोलोन इंजेक्शन जो है वो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, हेल्थी बनाता है और उसके फ्रैक्चर के रिस्क को ये कम करता है। साथ ही ये हमारे बोन डेंसिटी को इंक्रीज़ करता है। दोस्तों, बात करें अगर इस इंजेक्शन से होने वाले कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट के बारे में, तो आपको कई बार एडिमा देखने को मिल सकता है, यानी कि स्वेलिंग आ सकती है, मितली की शिकायत हो सकती है, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो सकता है और साथ ही एक्ने की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कभी भी आप अगर इस इंजेक्शन का यूज़ करते हैं तो एक बार अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी रैप्टिक 50 इंजेक्शन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।